तो जैसा कि गैस आप लोग देख पा रहे हैं कि छठ मनाने वाले लोगों का किस तरह से भीड़ भाड़ लगी हुई है, क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा हैं? अगर हाँ तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग लेके चलते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए टोरी वाला ब्लॉगर, तब तक हम ले चलते हैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं। और गैस आप लोग देख रहे होंगे पीछे से आपकी कितना काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका दिख रहा है, हम वही भीड़ भड़ाका में लेके चलते हैं और आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये है छठी पूजा करने वाले लोगों का भीड़। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरुष लोग माथा पर अपने प्रसाद को यानी जो भी बोल सकते हैं उसको ढोके जा रहे हैं। हेलो, वाहन वाले भैया लोग से अनुरोध है धीमी गति में। तो गाइस ये है कांके डैम छठ पूजा का वीडियो 2024। आपने तो कभी ना कभी तो कांके डैम आया ही होगा, तो देख करके आपको पता चल ही रहा होगा। आप देख सकते हैं कि रोड गार्डन के जस्ट नीचे का वीडियो है जो कि अबरी छठ पूजा मनाया जा रहा था उस शाम का वीडियो, क्योंकि देखकर पता चल ही रहा होगा। और गैस आप लोग भी 2024 में छठ मनाएं, अगर हाँ तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो गैस आप देख सकते हैं कि छठ मनाने के लिए कितना ज़्यादा सामान लगते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से लेकर बड़े बड़े चीज़ों तक का, तब जा कर के छठ मनता है। सकते हैं कि कांके डैम में किस तरह से छठ बरातियों की छठी की जाती है, और ये छठ करना आसान नहीं होता, इसीलिए सब कोई छठ नहीं करने पाते हैं, सबसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य डूबने से पहले और सूर्य उगने से पहले यानी सुबह शाम पानी के अंदर में रहना पड़ता है, ऐसे छठ नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से हर किसी के बस की बात नहीं है छठ करना। बात तो सही है, और ये छठ अच्छा है, बट ये अपने अपने संस्कृति कला संस्कृति के हिसाब से सब कोई मनाते हैं। और चलो चलो ज़्यादातर इसके बारे में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये ब्लॉग वीडियो बन रहा है और आप लोग यही सोचेंगे कि यार ये क्या 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 ना क्या बोल रहा है। अच्छा, और यही दिखाने आए हैं कि छठ बरातियों का छठ किस तरह पानी में किया जाता है, और आप लोग देख ही सकते हैं पीछे साइड की कितना ज़बरदस्त कितना ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, और आप लोग को इधर अभी दिखाना बाकी ही है, इधर भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जितना दूर तक देखोगे उतना ये कांके डैम किनारे यानी रोड गार्डन के नीचे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे जहाँ जहाँ तालाब है वहाँ पर जो भी छठ मनाते हैं उन लोग का, ऐसे हर साल नवंबर महीना में की जाती है, और इसी के शुभ अवसर पर कांके रोड स्थित मिसिरगुंडा में भी जबरदस्त यात्रा भी लगाई जाती है, वहाँ पर भी लेकर चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम किस तरह से मनाए जाते हैं। ऐसे वहाँ का वीडियो स्पेशल हम अलग से बना चुके हैं, उस वीडियो को भी इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। चलिए और आगे देखते हैं कि ऐसे गाइस काफ़ी समय काफ़ी रात होने चला है जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। और इस तरह से छठ मनाई जाती है हर एक साल, और ये रांची के राजधानी में गजब का छठ मनाए जाते हैं, और आप लोग को खाने के लिए ठीक हुआ केला सब कुछ मिलेंगे फल फूल, आप लोग आइए वहाँ पर लीजिए। लेकिन क्या है कि हम ज़्यादातर ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे लेना देना इसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस अपना काम से काम मतलब रखते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं हम अपना काम से काम मतलब रखते हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक कुछ नहीं लिए हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए, और हो सके तो आप लोग भी अच्छी तरीक़े से मनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ में व्यस्त रहिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे, काफ़ी मज़ा आया होगा। इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहने के लिए टोरी वाला ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे लाइट उट लगी हुई है तो काफ़ी नज़ारा मस्त ही आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी यार काफ़ी शाम हो चुका है, आने मतलब 6 बज चुके हैं, और अभी के समय में यानी ठंडा के समय में ना 6 बजे काफ़ी ठंडे का समय में, और आप लोग किस तरह से छठ मना रहे हैं या फिर किस तरह से मनाएं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं अपना राय, और चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह से वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आई होप कि आप लोग
समझ गए होंगे। चलिए फिर नेट पर मिलते हैं।